साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जातिगत वोटों को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी आज ग्वालियर में यानी कि 13 अप्रैल 2023 के दिन अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया है। इस महाकुंभ में बीजेपी के साथ ही 1 लाख से अधिक दलित लोगों के शामिल होने की संभावना है, ऐसी संभावना बीजेपी ने ही जताई। साथ ही इस महाकुंभ के लिए प्रशासन की ओर से 25,000 बसों की व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग जिले के लोगों को यहां लाने का काम कर रही है। इस अंबेडकर महाकुंभ को लेकर प्रशासन, अंचल मंत्री और केंद्रीय मंत्री पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसे देखकर ये साफ मालूम होता है कि ये बीजेपी की दलित वोटों को साधने की रणनीति है। अम्बेडकर महाकुंभ के इस कार्यक्रम में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम मध्य प्रदेश के मंत्रीगण शामिल होंगे। इस महाकुंभ के बहाने बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल के सभी दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में इस महाकुंभ के बहाने नाराज दलित वोटरों को बीजेपी मनाना चाहती है, ताकि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीत हासिल कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर चंबल अंचल में दलित वोटों की संख्या काफी अधिक है। संभाल में कुल 34 सीट हैं और इन सीटों पर 20-25% वोट दलितों के हैं। यही कारण है कि ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटों पर दलित वोट की काफी अहम भूमिका है और इसी को लेकर अब बीजेपी दलित वोट साधने में जुट गई है। दलित मुद्दों से संबंधित खबरें देखने के लिए बने रहिए दलित टाइम्स के साथ। मैं हूं रुखसाना। जय भीम।